नमस्कार, योगायत विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग, रहे निरोग। इस जो है थॉट के साथ आज का जो प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे, आज जो हम बात करेंगे वो शोल्डर मूव्स के बारे में बात करेंगे, जो क्या हो सकता है, जो सिंपल शोल्डर मूव्स हम जो है घर बैठे, चाहे वो सोफे पे हो, चाहे वो वर्किंग आपका जो डेस्क है कहीं भी, वो कर सकते हैं, जिससे कि शोल्डर पे जो स्ट्रेस होता है वो जो है रिलीज हो सके। हम मूव के बारे में बात करेंगे, जो हम मूवमेंट कर सकते हैं जिससे कि जो हमारा शोल्डर का रेंज ऑफ मोशन जो है वो बना रहे, और जो है हमें किसी तरह की परेशानी जो है बेसिकली कंधों के दर्द से जुड़ी हुई वो जो है ना हो। तो क्या है, चलिए उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ करके कि इसको कैसे कर सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरह सीधा लेते आएंगे, सीधी बैठेंगे, इस तरह वज्रासन में बैठ सकते हैं। आप चाहे तो सुखासन में बैठ जाइए, चेयर पर बैठ जाइए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से आप बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए, रोटेट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापस आ गए। अब दूसरी मूव करते हैं, सिंगल हैंड से रोटेशन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, वापस आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये दूसरा हो गया। अब दोनों हाथों से 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये तीन एक्सरसाइज हुई। चौथी, सांस लेंगे, पीछे लाएंगे, सीधा सांस लेंगे, सांस छोड़ देंगे, वापस सांस लेंगे, सांस छोड़ देंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आप चौथी हो गई। पांचवी शोल्डर में हाथ सीधा कर लेंगे इस तरीके से, सांस लेते हुए जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये पांचवी मूव, आपको छठी मूव करनी, दोनों हाथ सीधा रखना है। पहले एक हाथ को ले जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, वापस आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, वापस आ गए। अब नेक्स्ट दोनों हाथों के साथ करेंगे इसे, 1 पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हो, जब हाथ ऊपर ले जा रहे हो तो ब्रीदिंग करिए, क्योंकि आपका रिबकेज ऊपर आता है तो स्पेस बनता है काफ़ी यहाँ सांस लेने के लिए। तो जब भी हम हाथ ऊपर की ओर ले जाते हैं तो सांस लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये आपने 5 बार लिया। एक ये शोल्डर मूव, वापस आएंगे, साइड से कर रहा हूँ कि आप देख सकें, पीछे आप जस्ट को ऊपर करेंगे, हाथ को सीधा करेंगे 1, वापस आ जाएंगे 2, 3, 4, 5, मैं 5-5 बार कर रहा हूँ, आप इसे 10 बार या 15 बार रिपीट कर सकते हैं इसे, और जैसे एक बार पूरा कर लिया फिर से 10-15 बार कर ले, 2 बार भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों हाथों को यहाँ पर रखेंगे, सांस लेंगे, सांस लेते हुए कानों से टच होगा, फिर वापस आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह वापस सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, 4 एंड 5, ये 8वां मूव था। तो ये जो है बेसिक शोल्डर जो है मूव्स है जो आपको जो है रोज़ करना चाहिए, 10-10 बार रिपीट करें कहीं पे भी बैठ के, 2 बार 3 बार, जैसे एक बार करते हो तो एक बार में 2 बार करें, जिससे कि प्रॉपर जो है मसल को वार्म अप मिल जाए, और सही जो है किसी तरह की अगर आपको जकड़न है या किसी तरह की स्टिफनेस है आपके शोल्डर में तो वो बेसिकली इससे दूर हो जाएगी, और किसी तरह का आपको शोल्डर पेन नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये जो है अधिक से अधिक जो है लोगों के तक पहुँच सके। लोग इसके बारे में जानते तो हैं ही लेकिन वो करते नहीं हैं, तो इसे देखें और इसमें जो है लाइफ स्टाइल में इंक्लूड भी करें, जिससे आपको हेल्थ से जुड़ी हुई कोई परेशानी और दिक्कत नहीं रहे। नमस्कार।